नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के गांव भकना कलम स्थित एक घर पर कुछ लोगों ने की फायरिंग। एक महिला बाजू पर गोली लगने से हुई घायल। लुधियाना में गत दिवस सेवानिवृत्त डीएसपी ने खुद के सिर में गोली मारकर की आत्महत्या। मानसिक तौर पर था परेशान। पंजाब पुलिस में कर्मचारियों के हुए तबादलों के बाद डीआईजी बॉर्डर रेंज ने की प्रेस वार्ता। कहा, पुलिस पॉलिसी के मुताबिक हुए तबादले। अरब हलचल विस्तार से। अमृतसर में गोलियां चलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसका ताजा मामला सामने आया है अमृतसर के गांव भकना कला में, जहां देर रात एक घर में गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस दौरान एक महिला की बाजू पर गोली लगने की खबर सामने आई। इस मौके पर पीड़ित हरदीप सिंह ने बताया कि उनका गांव में टेंट हाउस का काम है। उन्होंने कहा कि गत दिवस गांव चीची में एक कार्यक्रम था, जब उन्होंने अपने टेंट की पेमेंट मांगी तो परिवार ने कहा कि वे आज पेमेंट नहीं दे सकते, वे कल पेमेंट दे देंगे, जिसके बाद वे अपने घर वापस आ गए। उन्होंने बताया कि उनकी माता रात्रि 11 बजे के करीब बच्चों के पीने के लिए दूध गर्म कर रही थी कि अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आई। जब उन्होंने देखा तो उनकी माता बेहोश होकर गिरी हुई थी, और जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनकी माता की बाजू पर गोली लगी हुई थी। उनकी दीवार पर भी गोलियां लगने के निशान मिले हैं, इसलिए पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। वहीं जब इस संबंध में पुलिस अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो वे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं हरदीप सिंह टेंट हाउस सर भगने अपना जी टेंट का काम करते जी। कल प्रोग्राम है अपना चीचे पिंड जी, उत्थे टेंट का काम करन गए जी। उन्होंने घर पेमेंट मंगी जी, पेमेंट करने चक्कर में कहते पेमेंट कल देवे, नहीं भाजी बंदी लेबर आई साड़ी तो सू पेमेंट दी जाए जी। तो अभी अपने घर वापस आ गए हैं, घर वापस आ गए हैं। बाद च रात मेरी माता रसोई दुध गर्म करने छोटे बच्चे आते तो माता रसोई में गई आ, तो बाहरों आवाज आई गोलियां की, ठार आवाज आई, सीधे गोलियां वजिया जी, गोलियां निशान मौजूद है जी। किन्ने बजे का टाइम सी रात? ये रात 11:30-11:15 टाइम है जी। मेरी माता बेहोश टेकी है जी, गोली वजी माता की बांह के। अं इंसाफ की मांग करते हैं, बंदे जब खेती खेती बंदे बढ़े जान, बहुत खतरा जी। लुधियाना में गत दिवस देर शाम सेवानिवृत्त डीएसपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान सेवा मुक्त डीएसपी द्वारा अपने सिर में गोली मार ली गई। मिली जानकारी के मुताबिक वे लगभग एक वर्ष पहले ही सेवा मुक्त हुए थे और वे मानसिक तौर पर बीमार थे। मृतक की पहचान बरजिंदर सिंह भुल्लर के तौर पर हुई है। वहीं जब इस संबंध में जानकारी देते हुए सराभा नगर थाना के पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतक काफी समय से मानसिक तौर पर परेशान चल रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि वे सराभा नगर स्थित ग्रीन वेन्यू में अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते थे, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे विदेश में रहती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से गत दिनों पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस के काफी कर्मचारियों के तबादले भी किए गए और उन तबादलों को लेकर पंजाब पुलिस के काफी कर्मचारियों में रोष पाया जा रहा था, जिसे लेकर अमृतसर बॉर्डर रेंज डीआईजी राकेश कौशल द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ये जो पंजाब पुलिस के कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं, वे पंजाब पुलिस की पॉलिसी के आधार पर ही किए गए हैं और हर एक कर्मचारी की किसी थाना में कितनी देर ड्यूटी रहनी है, इसका समय निर्धारित होता है, उसी समय के मुताबिक ही पुलिस कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर रही है और वर्ष 2024 में अब तक 125 किलो से अधिक हेरोइन और 35 से अधिक ड्रोन बरामद किए जा चुके हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस कुछ 4-5 मेन मुद्दे ने, ये 4-5 मुद्दे उन्हें जो पिछले दिनों तो काफ़ी मीडिया च भी आ रहे हैं,
बार बार सरफेस कर रहे ने और कल इस बारे साड़ी मीटिंग सी मानयोग सी एम साहब पंजाब ना बाद डी जी पी साहब पंजाब श्री गौरव यादव जी ना उन्होंने मीटिंग सी तो मैं काफ़ी दिन तो ऑबजर्व कर रहा सीगा कि रैटरिक कुछ ना कुछ बनी जा रहा जो स्टेट पुलिस करना चाहती है जो स्टेट दी हिदायत ने उन्होंने शायद कुछ रंगत ही होर मिल रही है और साडे मुलाजमान च भी उस चीज़ का थोड़ा इंपैक्ट जा रहा। तो आई वॉन्ट टू क्लैरीफाई एंड टैल यू पहला मुद्दा है सब तो ज़्यादा साड़ी मुलाजमान की ट्रांसफर का जी ट्रांसफर ने ये कोई इनू कह रहा जी मुलाजम च मुलाजम को पनिश करने वास्ते कीतियां जा रही कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा तो मैं इस बारे दसना चाहना कि साड़ी एक स्टेट गवर्नमेंट वालों अपरूव पंजाब पुलिस की एक पॉलिसी है रिगार्डिंग ट्रांसफर इन एनी डिस्ट्रिक्ट इन एनी रेंज इन द स्टेट ये जिन्निया ट्रांसफर ने वास्ते जहाँ क्या जा रहा है कि मुलाजमान का नैक्सस हो गया जी समर्थन हो गया मैं उठ जाऊँगा तुम वह भी सच्चाई दसागा आई एक्सप्लेन दैट टू यू ऑलसो कि की सच्चाई हैगी। एक साड़ी पॉलिसी आ कि जोड़ा कोई मुलाजम कोई इंस्पैक्टर कोई सब इंस्पैक्टर अगर किसी थाने एस एच ओ हैगा तो कि देर रह सकता दिस इज अगर जो छोटा मुलाजम आ कॉन्सटेबल वो कितने किन्नी देर रह सकता हैड कॉन्सटेबल किन्नी देर रह सकता ए एस आई किन्नी देर रह सकता सब जो किन्नी देर आई हैव गॉट फिगर्स विद मी ठीक है ना मैं शॉर्टलिस्ट किया स्टैंडिंग ऑर्डर से बहुत व्डे ने जिमें साढ़े किसी भी थाने कोई मुलाजम तीन साल तो उपर नहीं रह सकता ठीक है जी ही हैज़ टू बी शिफ्टड वंस उन्होंने शिफ्ट करके तीन साल वास्ते किसी और जगह भेजना पड़ेगा नहीं दूजे किसी थाने या किसी और जगह ही दैन दोबारा ही कैन रेंज भी विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट वी कैन कम बट उसके बाद दोबारा वो आफ्टर कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ थ्री ईयर ही कैन कम बैक उस पॉलिसी मुताबिक नहीं रह सकता दैन हैड कॉन्सटेबल टू इंस्पेक्टर है वो 15 साल तो बाद रह सकते एक रेंज बंदा 12 साल तो बाद नहीं रह सकता। जालंधर पुलिस कमिश्नर ने जालंधर शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों को का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सब डिवीजन सेंट्रल में पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 4 और सब डिवीजन मॉडल टाउन में पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 6 की गहनता से जांच की। तो वहीं उन्होंने पूरे दौरे के दौरान ड्यूटी रजिस्टर माल गोदाम सहित के रजिस्टरों की गहन समीक्षा की और जियो रजिस्टर में प्रविष्टियां भी की। वहीं पुलिस बल में सख्त अनुशासन बनाए रखने के लिए एसीपीओ और एसएचओ को विस्तृत निर्देश भी दिए। इसके अलावा कमिश्नर ने कर्मचारियों से उनके कल्याण के बारे में चर्चा की और उन्हें अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। वे उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि अच्छे प्रदर्शन की सराहना की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पड़ रही भीषण गर्मी और महंगाई से लोग काफ़ी परेशान चल रहे हैं। सुबह से ही तापमान बढ़ने के कारण लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। इस संबंधी जब हमारी टीम ने जंडियाला ग्रुप में ग्राउंड जीरो पर जाकर अलग अलग लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के कारण इस बार लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। सुबह 10 बजे ही तापमान 38 से 40 डिग्री और 12 बजे के बाद 45 से 46 डिग्री हो जाता है। लोगों का कहना था कि पेड़ों की कटाई के चलते गर्मी बढ़ रही है, इसलिए हम सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन्हें अपने बेटों की तरह पालन चाहिए। उन्होंने कहा कि हर एक घर में एक पेड़ जरूर होना चाहिए, इससे वातावरण भी साफ रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। इस मौके पर एक 81 वर्षीय विनोद शर्मा ने बताया कि उनकी सिगरेट बीड़ी की दुकान है और कई बार उन्हें भूखा रहकर समय गुजारना पड़ता है। गर्मी के कारण लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम जी विनोद शर्मा है। विनोद शर्मा जी कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत सारी गर्मी पड़ रही है महाराज। मैं 81 साल की मेरी उम्र हो गई है पर मैं इन्नी गर्मी कदे भी नहीं देखी जिन्नी कि हुण पैण रही है। जिस वेले नहाण लगो तो टैंकियां दा गर्म पानी आता है, वो भी इस तरह हैगा कि जिस तरह गीजर दे विचों पानी लै के नहा रहे। बहुत मुश्किल होई हुई है। और एक छोटा जिहा काम हैगा, मैं बीड़ी सिगटन दा काम करदा, ध्याड़ी भी मतलब कि पूरी नहीं बनती, बंदा ही नज़र नहीं आता ध्याड़ी कितों बननी। इन्नी गर्मी मैं नहीं कदे भी देखी, इन्नी उम्र हो गई मेरी लेकिन
ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 250 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਸੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦੌੜੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਬਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਗਾਹਕ, ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਗਾਹਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਾਹਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰ ਤਾਂ ਜੀ? ਮੇਰੀ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ। ਪਾਣੀ ਕਿਤਰਾ ਟੈਂਕੀ? ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ? ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਈਦਾ, ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਈਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 8:30 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਹੋ ਬਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਹਾਲ ਨਾਲ ਰੇੜੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਅਗਰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਹੀਂ 100-200 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਰੇੜੀ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਸਭ, ਇਹੀ ਆਮ ਵੇਚ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਕਭੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਤੇ ਹੈ, ਸੇਬ ਸੰਤਰਾ ਕੇਲਾ ਸੇਲਾ ਇਹੀ ਸਭ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੰਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਖੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਸਰ, ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 41 ਸਾਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 41 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕਭੀ ਕਭੀ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਦਮੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਾ ਤੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਕਭੀ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਵਸ਼ਿਕ ਬਾਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਰਮੀ ਪੜ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਬ ਡਾਕਟਰ ਬਚਾਓ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਹਵਾ ਚਲੇ ਤੋ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੜ ਜਾਏ ਤੋ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਗਰਮੀ ਤੇਰੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾ ਚਲੀ ਨਾ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਆਮ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋ, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਹਾਂ ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, 3:30-4 ਵਜੇ ਨਿਕਲਤੇ, ਜਿਸ ਮੇਂ 200-400 ਰੁਪਏ ਬਣਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਕਮ ਹੋ ਤੋ ਇਨਸਾਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਆਰਾਮ ਕਰੇ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੋ ਦਿਹਾੜੀ 500-600 ਤੋਂ ਪੜ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਪੜਤੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਘਰ ਕਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਤਾ? ਅਬ ਚਲਾਨਾ ਹੀ ਪੜਤਾ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ, ਤੋ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਘਰ ਕਾ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੋ ਖਰਚਾ ਚਲਾਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਵਰਧਾ ਅਖਾੜਾ ਸਮਿਤੀ ਵਿਕਰਮਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਮੇਂ ਮਾਂ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ 90 ਵਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਇੱਕ ਭਵਿਆ ਜਾਗਰਣ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਕੇ ਸਮਕਸ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਕਰ ਮਾਂ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਵਹੀ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਉਨ੍ਹੇ ਮਾਂ ਕੀ ਚੁਨਰੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ।
इस भव्य आयोजन में कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रही। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व CPS KD भंडारी, विधायक बाबा हेनरी, ADC नवा शहर रजनीश शर्मा और DSP जगमोहन सिंह ने उपस्थित होकर माँ का आशीर्वाद लिया। तो वहीं जागरण में माँ का गुणगान जालंधर के प्रसिद्ध भजन गायक प्रदीप पुजारी एन पार्टी, वरुण मदान एन पार्टी और महंत निरंजन दास एन पार्टी ने किया और माँ के मधुर भजनों का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष जवाहर सहगल, सचिव एडवोकेट अनिल पाठक, भगवान दास खोसला, अशोक, रजनीश मल्होत्रा, श्यामलाल चोपड़ा, राजेंद्र बत्रा, मदन लाल बहरी, राकेश थापर, योगेश्वर शर्मा, अश्विनी गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, अजय लाली, मोहिनी भसीन, सुनील सहगल, रजनी भसीन, अनिल चोपड़ा, सुनीता कपूर, वीना सहगल, रानी शर्मा ने इस शुभ अवसर पर उपस्थित होकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
जय माता दी। जय माँ चिंतपुर्णी। नानिल पाठक एडवोकेट सैकटरी माता चिंतपुर्णी मंदिर बिक्रमपुर। सारे भगतों का अज माता चिंतपुर्णी के नंबे पे स्थान में दवस्ते हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। माता चिंतापुर्णी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे, उनको बुद्धि सुबुद्धि और धन दौलत दे। ये चिंतपुर्णी माता का प्राचीन मंदिर है। इत्थे माता की एक मानता है कि जिहड़ा माता चिंतपुर्णी दे हिमाचल प्रदेश च नहीं जा सकता, वह चिंतपुर्णी माता दे मत्था टेक ले तो उहदियां सारियां मुरादां पूरियां हो जांदियां। असीं मंदिर कमेटी वल्लों मंदिर दे उपर एक फ्री फिजियोथेरेपी सेंटर चलाया जा रहा, इस्त्रियां लई फ्री योगा सेंटर चलाया जा रहा। मंदिर कमेटी वल्लों 22 लाख की कीमत नाल सोलर प्लांट लगाया गया, जनरेटर लगाया गया और मंदिर दे विच एक अखाड़ा वा जिहड़ा कि बहुत पुराना है, जिथे कि पहलवान कुश्तियां करदे ने और जिहड़ी नवीं जनरेशन अजकल नशियां दे विच लगी हुई है उन्हां नूं असीं ये कहने कि इत्थे आओ अखाड़े दे विच कुश्तियां करो। असीं स्पैशल मंदिर दे वल्लों कमेटी वल्लों जिम दे विच सारियां नवीं मशीनां जिहड़ियां कि अच्छे अच्छे जिम दे विच लगियां होंदियां इस मंदिर च लगियां और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन्हें भी नौजवान बच्चे आ वो इस मंदिर च आण अखाड़े दे विच आके कुश्ती करन। और मंदिर कमेटी ने 2 सालों दे विच जदों मंदिर कमेटी मुंबई दे विच चार्ज मिलिया पुरानी कमेटी वल्लों सिर्फ सानू 40,000 रुपया मिलिया सी। इस मंदिर कमेटी वल्लों 2 सालों दे विच माता की कृपा और भगतों के उत्साह नाल तकरीबन 60 लाख रुपया असी मंदिर कमेटी ने इकट्ठा किया है। यह सारे भगतों का योगदान है। असी शीतल विजी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मंदिर आके साडी कमेटी का हौसला वधाया। मैं मंदिर कमेटी के प्रधान सी अजय लाली जी सुरिंदर जी साडे सुनील लगरवाल जी जो कि इस मंदिर के लगातार बहुत सेवा कर रहे हैं, शाम लाल चड्ढा जी। मैं सारी कमेटी वालों सारे भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और माता रानी अगे अरदास करता कि सारे की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, जय जय माँ चिंतपुर्णी। निर्जा कास्तिक दिन हर साल मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जाता वा, लेकिन इस बार ये मेले का रूप धारण कर गया। अज चिंतपुर्णी मंदिर बिक्रमपुरा मेले का रूप धारण कर गया। असी भक्तों का शहर वासियों का बड़ा धन्यवाद करते हैं। ये महाराणी दरबार से जो भी दर से आया, ये चिंतपुर्णी दर से कोई भी भगत आया कभी खाली नहीं गया। महाराणी हर दी हर भगत की फरियाद सुनती है और मैं अरदास करता महाराणी अगे। ये प्रबंधक कमेटी जी साडे मवी कमेटी का एग्जैक्ट मैंबर आ साडे प्रधान जवाहर सहगल जी, अनिल पाठक जी, अजय लाली जी बैठे आ, सुरिंदर जी बैठे आ, सुनील अग्रवाल जी बैठे आ। ये बड़ा मंदिर योगदान देंगे आ, ये योगदान सदा ही मंदिर से करते रहन और महाराणी का आशीर्वाद इन्हों मिलता रहे। मैं अज के मौके पर खास तौर पर बाऊ शीतल जी जैनिक सवेरा के लीडर के डी भंडारी जी मुख्य अतिथि रूप से शामिल होए आ। मैं शीतल बेदी जी का के डी भंडारी जी का बड़ा धन्यवाद करता और महाराणी अगर अरदास करता इन्हों भी दोनों चाती कर रखी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अज श्री चिंतपुर्णी मंदिर 90वां स्थापना मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। असं उस उपलक्ष्य के शहर वासियों का सब का बहुत धन्यवाद करें जिन्होंने अज लखा की तादाद में आ के आशीर्वाद लिता तो महामाई को अपनी मूँह मंगिया मुरादा पूरिया की। असी इस श्री शीतल जी का, के डी भंडारी जी का, परमिंदर बैल जी का, पाठक जी का, शाम लाल चड्ढा जी का, सुनील अग्रवाल जी का, सुरिंदर जी का, ललित जी का सब का बहुत बहुत धन्यवाद करें जिन्होंने आ के सानू सहयोग किया। असी उन्होंने सब का धन्यवाद करते हैं। महामाई को महामाई को आशीर्वाद लेने कि सानू सब चढ़दी कला च रखे, सब के भंडारे बने। जिकारा चिंतपुर्णी माता जी का। माता चिंतपुर्णी वर्धा अखाड़ा समिति विक्रमपुरा जालंधर की ओर से मूर्ति स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशाल भंडारी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष जवाहर सहगल, सचिव एडवोकेट अनिल पाठक, भगवान दास खोसला ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस लंगर का शुभारंभ किया। इस मौके पर अशोक, रजनीश मल्होत्रा, श्यामलाल चोपड़ा, राजेंद्र बत्रा, मदन लाल बहरी, राकेश थापर, योगेश्वर शर्मा, अश्विनी गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, अजय लाली, मोहिनी भसीन, सुनील सहगल, रजनी भसीन, अनिल चोपड़ा, सुनीता कपूर, वीना सहगल, रानी शर्मा भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ओम ग्लोबल इमिग्रेशन ऑफिस जालंधर की ओर से निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में एवं मई माह में सर्वाधिक स्टडी वीजा लगने के उपलक्ष्य में विशाल भंडारी का आयोजन कार्यालय के समक्ष किया गया। इस मौके पर अजय खन्ना, विक्की संधू सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
मैं रिक्की संधू जी, ओम ग्लोबल एजुकेशन सर्विसिज जलंधर तो। बहुत सारे एप्लीकेंट थे जिन्होंने मेन टेक के साडे कोलो वीजे हासिल किए, तो उस चीज़ को देखते एकादशी के पावन मौके को असी वधिया समझिया, इस ते लंगर लगाया जी। सो बहुत सारे एप्लीकेंट है जिहड़े वख वखरे मुल्कां दे विच वखरे वखरे देशां दे विच पढ़न घूमन फिरन या काम करन जाना चाहता है, वह बच्चों के सुपने पूरे हुए हैं। सो 700 तो उपर जिहड़े बच्चे है मेन टेक दे विच वीज़ा लै चुका, जिस खुशी के असी लंगर लगाया सीगा। तो होर भी काफ़ी एप्लीकेंट इदा दे जिहड़े सितंबर इनटेक दे विच जाना चाहते हैं, चाहे वह कैनेडा जाना चाहते, यूके जाना चाहते, या किसी भी देश के जाना चाहते, पढ़न जाना चाहते, काम करन जाना चाहते, या घूमन जाना चाहते हैं, आपकी एप्लीकेशन ओम ग्लोबल तो अपलाई करा सकते हैं जी। ओम ग्लोबल पैसे वीज़ा लगन तो बाद लैंदा। सो उम्मीद करते हैं जी जिहड़े भी एप्लीकेंट इदा दे है रिस्क नहीं लेना चाहते, पैसे वीज़े तो बाद देना चाहते जी, सारी टीम के नाल राबता कर सकते हैं। तो बहुत वधिया जिहड़ा ये उपराला रहा जी ओम ग्लोबल के वालों, असीं अगे भी चाहते हैं कि इदा ही चंगे रिजल्ट आते रहन, तो इदा ही असी सेवा सानू करन दा मौका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक सवेरा का भी, जिन्हों के माध्यम राही सानू मौका मिला जी इस ते बोलन दा। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के बाहर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से ठंडे मीठे जल की छबीत व फलों का लंगर लगाया गया, जिसका शुभारंभ मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने किया। इस अवसर पर उद्योगपति नरेश सहगल, सेवादार सुरेंद्र अग्रवाल, यश चड्डा, अमृत लाल अरोड़ा, गोपाल पांडे भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनी सवरिया, चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
आदरणीय श्री परविंदर बैल जी कैशियर, उनके साथ अजय लाली जी, जस चड्डा जी और भी मंदिर के सेवादार शिव सहगल जी, कपल जी, साधु राम जी कालिया, जिन्होंने अभी अभी माँ जी का आशीर्वाद श्री देवेंद्र मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री परविंदर बैल जी तथा उनके साथियों का। 100 रुपया माता जी के नाम मंदिर की सेवा के लिए श्री अजय लाली जी सेवादार देवीतला मंदिर माता जी के नाम 100 रुपया, जस चड्डा जी सेवादार 100 रुपया, 100 रुपया और माता जी के नाम मंदिर की सेवा के लिए। और भी बहुत से दानी भक्तों ने गुप्त नाम दिए हैं, भगवती महाराज सभी के नाम जानती है। अगले इतवार इसी तरह भजन संध्या में रिंकू सहगल, विनय सहगल एंड पार्टी जलंधर वाले शाम 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक भगवती माँ जी का गुणगान अपने साथियों के साथ श्री देवीतला मंदिर की सेवा के लिए अपनी नेक माई से दिल खोल का दान दीजिए। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। आओ जी विजय राजन जी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के गांव भकना कलम स्थित एक घर पर कुछ लोगों ने की फायरिंग, एक महिला बाजू पर गोली लगने से हुई घायल। लुधियाना में गत दिवस सेवानिवृत्त डीएसपी ने खुद के सिर में गोली मारकर की आत्महत्या, मानसिक तौर पर था परेशान। पंजाब पुलिस में कर्मचारियों के हुए तबादलों के बाद डीआईजी बॉर्डर रेंज ने की प्रेस वार्ता, कहा पुलिस पॉलिसी के मुताबिक हुए तबादले। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।